आप बहुत अच्छे हो उदय, आप तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराजा राणा सांगा के असली उत्तराधिकारी। माँ, उदय को बचा लो आप। तो मैं उदय को लेकर यहाँ से निकल जाती हूँ कुंवर की जान बचाने का। हुक्म दे अन्नदाता। हे भवानी, मुझ में इतना बल दो कि राजवंश की रक्षा में मैं अपना रक्त दे सकूं। चंदन, क्या हुआ माँ? कोई दुश्मन आया है? मैं अपनी तलवार निकालूं? राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज बनवीर, या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। यमराज, आज मैं आपको मेवाड़ के कुलदीपक का दान करने जा रहा हूँ। ताईमा, ताईमा, क्या है कुंवर? ताईमा, देखो ना, नगर में कितना सुंदर उत्सव का आयोजन हुआ है, क्या आप देखने चलेंगी? मुझे भी उत्सव देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं देख सकूंगी लाल। थोड़ी देर के लिए चलो ना माँ। नहीं कुंवर, मुझे नाच गाना देखना अच्छा नहीं लगता। मैं अच्छा नहीं हूँ ना ताईमा, इसलिए उत्सव में मुझे नहीं ले जाती आप। आप बहुत अच्छे हो उदय, आप तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराजा राणा सांगा के असली उत्तराधिकारी। अब आप मेरा मन बहलाने लगी, क्या मैं अकेला चला जाऊं? नहीं कुंवर, आप रात में अकेले नहीं जाओगे, जाकर सो जाओ, भोजन के लिए जगा दूंगी। नहीं माँ, आज मैं भोजन नहीं करूंगा और ना ही अपनी सैया पे सोऊंगा, आप मुझसे प्रेम नहीं करती। चला गया रूठ कर अपनी माँ से। माँ, माँ, क्या है मेरे लाल? कुंवर कहाँ है माँ? वे रूठकर सो गए हैं। क्या उन्होंने भोजन कर लिया? नहीं, तुम भोजन कर लो, थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर भोजन करा दूंगी। मुझे अकेले भोजन नहीं करना है माँ, उदय के साथ ही करूँगा। ठीक है चंदन, उदय सिंह के साथ ही भोजन कर लेना। धाईमा, धाईमा। कौन, सामली? कुंवर कहाँ है धाईमा, कुंवर कहाँ है? कुंवर बिल्कुल ठीक है सामली, अभी वे सो रहे हैं, पर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उनका जीवन खतरे में है माँ, उन्हें बचा लो आप। ये तुम क्या कह रही हो? बनवीर ने नगर में नाच गाने और उत्सव का आयोजन करवाया है, नगरवासियों का सारा ध्यान उत्सव की तरफ है, मौका देखकर वो कभी भी आता होगा। माँ उदय की रक्षा करो, माँ उदय को बचा लो आप। तो मैं उदय को लेकर यहाँ से निकल जाती हूँ। आप महल से बाहर नहीं जा पाएंगी, पूरे महल को बनवीर के सैनिकों ने घेर रखा है। माँ के चरणों में कीरत बारे का प्रणाम। कीरत, 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 तुम कुंवर सिंह से बहुत प्यार करते हो ना? अन्नदाता, उदय सिंह के लिए हमारी जान तक हाजिर है। तो आज मौका आ गया है कीरत। कैसा मौका? कुंवर की जान बचाने का। हुक्म दे अन्नदाता। अच्छा तो सुनो, तुम एक बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम टोकरी में उदय सिंह को झूठी बत्तलों के नीचे छिपाकर महल के बाहर चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा अन्नदाता। निकल जाओ, अभी लेकर निकल जाओ उदय सिंह को, अभी चले जाओ। पर माँ, इस तरह भी आप बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। दे सकती हूँ, कुंवर की सैया पर मैं अपने चंदन को सुला दूंगी, अपने नन्हे लाल को हथियारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। ध्यायमा, ऐसा मत कहो, मैं ऐसा नहीं सुन सकूंगी। नहीं सुन सकती, सुनकर घबरा गई, और मुझे करना है। हे भवानी, मुझ में इतना बल दो कि राजवंश की रक्षा में मैं अपना रक्त दे सकूं, एक राजपुतानी के मर्यादा का पालन कर सकूं। मेरे हृदय को पत्थर बना दो माँ, पत्थर बना दो। माँ, क्या अभी उदय सिंह नहीं आए? नहीं मेरे लाल, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। माँ, कल रात मुझे अच्छी नींद नहीं आई थी। तो आज तुझे मैं कुंवर की सैया पर सुला दूंगी, वहाँ तुझे ऐसी नींद आएगी कि तू सोता ही रह जाएगा। तुम बहुत अच्छी हो माँ, कुंवर की सैया पर लेटकर आज मैं राजकुमार बन गया। आहा, कितना नरम सैया है, जी करता है कि हमेशा के लिए इस पर सोता रहूं। चंदन, क्या हुआ माँ? कोई दुश्मन आया है? मैं अपनी तलवार निकालूं? नहीं मेरे लाल, तुम सो जाओ, सो जाओ मेरे लाल। Mm-hmm.
चंदन, सो गया मेरा लाल। मैंने उसे ऐसी निंद्रा में सुला दिया कि अब वह नहीं उठेगा। ओ पन्ना, तूने अपने भोले भाले बच्चे के साथ छल किया है। अपने फूल जैसे बच्चे को अंगारों की सेज पर सुला दिया। तू सर्पणी है, सर्पणी जो अपने ही बच्चे को खा डालती है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या करने जा रही है। हाय अभागिन माँ, जब मेरे लाल के हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं अपने को कैसे रोक सकूंगी। मेरे चंदन, मेरे लाल, जाओ ये रक्त की धारा मात्र भूमि पर चढ़ा दो। एक बार मुख देख लूँ अपने लाल का, कैसा सुंदर और भोला मुख है। पन्ना। महाराज बनवीर, आप यहाँ, और वो भी इतनी रात को? सारे राजपुताने में एक ही माँ है, पन्ना। मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ माँ। कुंवर कहाँ है माँ? कुंवर कहाँ है? कुंवर सो गए हैं महाराज, कुंवर निद्रा में हैं। धाय माँ, क्या आप चित्तौड़ के लिए एक दीपदान करेंगी? मैं आपको एक जागीर दे दूंगा। बस उदय सिंह को मेरे हवाले कर दो माँ। उसके रक्त को मैं माँ भवानी को चढ़ाकर सदा सदा के लिए सम्राट बना रहना चाहता हूँ। बनवीर, क्या तुम्हें भय नहीं लगता ऐसी बहकी बहकी बातें करते हुए? नहीं पन्ना, तुम मुझे उदय सिंह को दो, मैं उसे अपनी तलवार दूंगा। बहकी बहकी बातें मत करो बनवीर, जाओ, चले जाओ यहाँ से और विश्राम करो। विश्राम करूं? मुझे राजलक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है। मैं उदय सिंह को इस यात्रा में अपने साथ ले जाना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता। जो मांगो उदय के बदले तुम्हें दिया जाएगा पन्ना। महल, जागीर, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जो चाहो सब मिलेगा। राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज बनवीर, या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। चुप कर धाय और बता कहाँ है उदय। ओ क्रूर बनवीर, तुम तो उदय के संरक्षक थे, रक्षा के बदले क्या तुम उनकी हत्या करोगे? दूर हट दासी, बहुत हो चुका तेरा नाटक। नहीं हटूंगी मैं अपने कुंवर की सैया से, बिल्कुल नहीं हटूंगी। नीच पापी, तू उदय सिंह को छू भी नहीं पाएगा। अच्छा, तो तूने उदय सिंह को सुला दिया है ताकि उसे मरने का कष्ट महसूस ना हो। अब मैं उसे चिर निद्रा में सुलाने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता दुष्ट, मेरे जीते जी तू उदय सिंह का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ले मेरी कटार का प्रसाद। यह कटार अब मेरे हाथ में है, अब किससे मुझ पर वार करोगी? अब होंठ पर तलवार चलाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता नीच पापी। चुप कर पन्ना, बहुत हो चुका तेरा नाटक। यमराज, आज मैं आपको मेवाड़ के कुलदीपक का दान करने जा रहा हूँ। लो इस दीपक को। नहीं। आपने देश प्रेम की जो मिसाल प्रस्तुत की है उसके हम सदैव ऋणी हैं। इस नाट्य प्रस्तुति से हमें देश प्रेम, त्याग एवं बलिदान की शिक्षा मिलती है।